बहुत छड़ा दलित कहाँ से भारती देश बताया जाता है बाबू 15 अगस्त 1947 को जब मेरा भारत देश आजाद हुआ, जब भारत देश को आजादी मिली सारे लोग खुशी में नाचने गाने लगे। भारत देश आजाद होने के बाद बाबा साहब अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए लंदन चले। लंदन जाकर के बाबा साहब अंग्रेज मेजर लॉर्ड के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए सवाल किए, बाबा साहब मेरा देश आजाद हो गया है, हमारे देश के लोग आजादी खूब धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे लोग और मेरा देश आजाद है। वह लंदन में बैठा अंग्रेज मेजर लॉर्ड सवाल किया बाबा साहब से, कहने का मतलब बाबा साहब कहे कि अभी मेरा देश आजाद इसलिए नहीं है, मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूँ। वह बाबा साहब अंग्रेज मेजर लॉर्ड के सामने संविधान की मांग किए, 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए आरक्षण की मांग करते हुए मेजर लॉर्ड के सामने अपनी पत्र को रख दिए। बाबा साहब का आदेश स्वीकार किया गया मेजर लॉर्ड के हिसाब से, वह अंग्रेज मेजर लॉर्ड बाबा साहब को भेज दिया, ठीक है आप अपने हिंदुस्तान में जाइए, समय मिलेगा आपको बुला लिया जाएगा, सोचने के बाद समझने के बाद आपको यह आरक्षण लागू कर दिया जाएगा। बाबा साहब अपने हिंदुस्तान में आ गई लंग, यहाँ बाबा साहब हिंदुस्तान में आके खुशी मनावो थुअन, 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए जब आरक्षण घोषित कर दिया जाएगा तो हम लोग मौज की जिंदगी जिएंगे। बाबा साहब अपने हिंदुस्तान में आकर के सोचत विचारत हुए कि कहीं आ अंग्रेज मेजर लॉर्ड का देश आई जाई और अपने संविधान के लेके आई। एवर बाबा साहब हिंदुस्तान में हुए और गांधी और नेहरू जी पुनः लंदन तैयारी कैलन, जा करके मेजर लॉर्ड के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा भेलन। मेजर लॉर्ड पूछने लगा कैसे आना हुआ बापू, और नेहरू जी हंसने लगे, आए थे बाबा साहब कुछ कह के गए, हाँ संविधान की मांग की है। बापू हंसने लगे, ये मूर्खता है, ये बेवकूफी है, जहाँ जहाँ तहाँ लीप पोत दिहन, जहाँ जहाँ तहाँ बुराई करे का काम करेलन। का कहलन अंग्रेज मेजर लॉर्ड, कहा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग बहुत गरीब है। बापू हंसने लगे, नहीं साहब बिल्कुल सरासर बेईमानी और झूठ बात बात, हमारा देश सोने की चिड़िया कही जाती है और सोने की चिड़िया वह देश में रहने वाले लोग गरीब हो सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग गरीब नहीं है, हमारे देश में जितने लोग हैं सारे लोग अमीर हैं। मेजर लॉर्ड को विश्वास नहीं हुआ, कहा फिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे हिंदुस्तान में लोग गरीब है? बापू कहे कि आइए आपको हम अपने हिंदुस्तान में दिखाते हैं कि लोग गरीब हैं कि नहीं। तैयारी कर लिया वह मेजर लॉर्ड, कहा कि 10 दिन बाद आपके हिंदुस्तान में आएंगे। 10 दिन का नाम जब अंग्रेज वह लिया, बापू भाग के अपने हिंदुस्तान में। बाबू सोचे लगल, गीत लगल, कहेगा
लड़का परेशान हो गई कहो तू प्यार कैले बड़ू की नाटक कैले बड़ो लड़की कहे नाटक तुहके बुझात बोले कि हम जो ने काम में बिजी बानी अब तुहके बताई तब समझ में आई लड़किया बतावत रहल लड़का से कहत रहल कि पिड़िया बरत भूकल बने लड़का कहे जाए तुहार पिड़िया बरत तोरे पिड़िया बरत के चक्कर में हमार बारात निकल जाई एक अने फोन धो देबू तक के अने चली लड़कवा कहले रहल तू हई लगावले हो बाड़ू रोजे रोजे तू मामा के लाती तू हई धरवले हो बाड़ू बापू अंग्रेज में एक जोर लाड के सामने हाथ जोड़ करके कहे लगलन सुनिए सरकार का कहे ये भी गलती हो गई चलो हम देखा दी सरकारी ये भी गलती हो गई ले नहीं होला भी सहवास चल के बात झूठ बात सरासर झूठ बात आप खाली हिंदुस्तान आवा हिंदुस्तान में जही दिन आप आ जाइबा ओही दिन पानी का पानी और दूध का दूध हो जाई मैं जो लाड बाबा साहब की बातों को नजरअंदाज कर दिया संविधान लागू ना करने से पहले हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान को देखने की कोशिश करने लगा कहां गरीब हुआ कहां दबल कुचल लोग हुआ कहां पिछड़ा लोग हुआ अब है नी तैयारी बनावत बात तौले बापू भाग के हिंदुस्तान अइलन आ करके बापू एगो काम कैलन कवन काम कैलन
ऐसन मर्दे के पाले पड़ गई बने घरी घरी रूप चेंज होला कबो कबो खूब दुलारी कबो कबो खूब मारी कबो कबो तो बुझाई कि दुनिया मोरसन के हम मर्दे नहीं खे कबो कबो हम सोची ला अपने करम किस्मत पर रोई ला कि ऐसन मर्द कहाँ से मिल गई मेहरारू कहत रहल मेहरारू कहे चुड़िया चट चट तुरला हमारी दौलत कलैया मंदोरी के मन बड़े राजा जी सम्मान किया गया हमारे बड़े भ्राता श्री प्रमोद यादव सिपाह के धरती से सादर 100 रुपया भैया के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम सबके जय भीम नमो बधाई चुड़िया चट्टी चट्टी तुरला हमारी नरम कलैया डोरी के मन बोले राजा जी अब का खटिया के पाटी तोरी के मन बोले राजा जी लंदन जाए का तैयारी करत हो कि चल के अपने हिंदुस्तान का संविधान लेके आई और बाबू आकर के गांव में घूम घूम के गांव का सफाई करत हुआ कैसा सफाई करत हुआ अरे माथे पट्टो करी हाथे में फवड़ा बाबू चल ले उठाई के नगरिया में थवड़ा माथे पट्टो करी बापू चल ले उठाई के गंगा नगरिया के पूरा फेंक ले शरमाई के गंगा नगरिया के दस दिन में कैले कुछ गांव के हाथ में फोड़ा दियलन कपारे पर टोकरी गांव गांव में घूम के चाहे यादव बस्ती होके चमार बस्ती होके राजभर बस्ती होके निषाद बस्ती होके दुसाद बस्ती होके गौआ गौआ में घूम के बापू जितना अगली बगली कूड़ा कचड़ा रहल उठाई उठाई के गढ़ा में फेंकवावे लगलन दस दिन में धीरे धीरे आधा से ज्यादा गाँव को सफाई करवा दिलन बुलवा लियलन मैं एक जोर लाड आ गई अंग्रेज मैक जोर लाड आ करके गांव का निरीक्षण करे लगल घूम घूम के देखे लगल अरे यार यहाँ तो चिन्हाते नहीं थे कि कवन बस्ती राजभर कह कवन बस्ती चमार कह कवन बस्ती नोनिया ठाकुर बाभन पंडित कह इतना सगरी एक समान गांव लगत बा गांव एकदम चमकत बा बाहरे बापू जान गईलन कि बाबा साहब हिंदुस्तान में हम तई लंदन में चल गईलन अंग्रेज का कान भर के चली अइलन आ जैसे बाबा साहब लंदन में गईलन वैसे ही मैक्जोर लाड के हिंदुस्तान में बुला लिहलन घूम घूम के मैक्जोर लाड देखत बाता तो लिखना पिछड़ा कोई देखा ले कोहले बुलावाई के कौआ नगरिया के
बिछड़ा के ही देखा ले हले पुलवा जी के रुआ नगरिया के पूरा फेंके ले शरमाई के रुआ नगरिया के आ करके मैं जोर लाड घूम घूम के गांव का निरीक्षण करे लगल स्वच्छ अभियान बापू चलावे थो आज जगह जगह देखे के मिलत बा गोल का चश्मा हर पैसा पर हर जगह ही हर कूड़ा कचरा के जवन डब्बा बा ऊपर लिखल बा एगो में भारत बापू योजना चलावे लगलन अंग्रेज घूम घूम देखत बा बाबा साहब के पता चल गई जा करके अंग्रेज में एक जोरलाड से मिलल चाहत हो लंदन में लोग कलन अरे तोरे भारत में बापू बोलौले हुआ गांव का निरीक्षण जाके करत हो बापू कलन की हमार देश सोने का चिड़िया है आज देखे बाबा साहब को पता चला कि मैं एक जोरलाड हिंदुस्तान में गया है तुरंत भाग करके बाबा साहब हिंदुस्तान में इलाना के देखत हुआ टुकुर टुकुर ताके लगलन बाहरे बापू आप तो बड़े गद्दार किस्म के इंसान हैं मैं अपने देश का भला चाहता हूँ और आप अपने देश में रह करके देश का नमक खा करके देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं चल करके बाबा साहब सामने खड़ा भिलन में जो लाड बाबा साहब को डांटने लगा आप तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान में बड़े गरीब लोग हैं और यहाँ तो ना मल्ला जना रहा है ना राजभर जना रहा है ना चमार बस्ती जना रहा है पूरी बस्ती एक जैसी दिख रही है बाबा साहब हाथ जोड़लन कलन की सुनी साहब बाबू आपन वाली तक कही लेलन तनी सा एक मिनट हमारे बात सुन लो करे बात चाहे हमारे बात पर विचार कही जाय चाहे संविधान दिहल जाय चाहे ना दिहल जाय मैं एक जोरलाड खड़ा हो गया बाबू बाबा साहब की बात सुनने लगल का कलन है जमनिया में गड़िया छूटल रे राजा जमनिया में बहुत अच्छे ओहो छूटल रे राजा छूटल रे राजा जमनिया में हमारे विरहा के आखिरी गीत में बाबा साहब हाथ जोड़ के मैं एक जोर लाड अंग्रेज के सामने वो बात कलन का और सुनावा का चिरई और सुनावा का चिरई हम मुआ में देव दलित कहा दादा हम मिटावे ना देव दलित कहा दादा ऐसा तो हम होखे ना दे और एक गांव का निरक्षण रहे बापू करवाई और सुन के पापा साहब हुआ गई ले
दलित का हक वाह मिटावे ना देवे। अगर आपको यकीन हो गया हो तो ठीक, कोई बात नहीं, नहीं यकीन हुआ है तो चलिए हम दिखाते हैं गरीब कहाँ हुआ। वह मैगजुर लाट चल दिया आगे आगे, बाबा साहब पीछे पीछे, अंग्रेज मैगजुर लाट चलते चलते गांव से बाहर एगो मड़ई बा, वही मड़ैया में बांस का चचरा, वही चचरा पर एगो बुढ़ऊ दादा बैठल हुआ। जा करके बाबा साहब उंगली दिखौला कहला साहब कोई मड़ैया की पजरा जाके तनी सा पिए का पानी मांगी। बाबा साहब का बात सुन करके अंग्रेज मैगजुर लाट जा करके मड़ई के बगल में खड़ा होकर के आवाज लगाया, कहा हमको पानी पिला दीजिए कोई है। बुढ़ऊ दादा हाथ में डंडा लेके वही मड़ई से बहरे भैलन, दुअरिया में से झांकत हुअन देखत हुअन कि कोई साहब हुअन। भैया एक कई खानी आप रायदा बस और 5 मिनट। ओ बुढ़ऊ दादा हाथ में डंडा लेके अइलन वही दुआरी पर से झांकत हुअन देखत हुअन कि कोई साहब टूट बूट कस के खड़ा हुअन, हाथ जोड़लन हा आप बहुत बड़ा इंसान लगत हुआ। मैगजोर लाट कहा कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, आप जैसे ही हैं, हमको प्यास लगी है पानी पिला दीजिए। वह गरीब बुढ़ऊ दादा रोवे लगलन, ये सरकार आपका सूट बूट देख के लगत बा कि आप कोनो साहब हुआ। पानी पियौला की इतराज नहीं के साहब, पनिया तो हम पिया देती लेकिन बिहाने गांव का लोग जनिहन तो हमके सूरज कलकना देखे दीहन, मार के मुआ दीहन साहब। अंग्रेज मैगजोर लाट खड़ा हो गया, सोचने लगा अरे पानी पियौला के खातिर बुढ़ऊ कहतुअन कि हमके गांव के लोग मार के मुंह आदि हम। पूछने लगा वह अंग्रेज मैगजोर लाट, कहने का मतलब बुढ़ऊ दादा रोवे लगलन, रो रो के सारी बात के बतावे लगलन, हमको लोग नीच कहा करते हैं, हमको लोग अछूत कहा करते हैं, हमको लोग गाँव से इसलिए निकाल दिए है कि हम जिनके कुएं का पानी पी लेते हैं उनका कुआं अछूत हो जाता है, जिनके नलके का पानी पी लेते हैं उनका नलका अछूत हो जाता है साहब, इसलिए हम गांव से बाहर अपनी जीवन को यापन कर रहे हैं। फिर भी अंग्रेज मैगजोर लाट नहीं माना, कहा हमको पानी पिला दीजिए। एगो कांच के बर्तन में भरुका में पानी लेके बुढ़ऊ दादा अइलन, अंग्रेज मैगजोर लाट के हाथ में दियलन, साहब पानी पी लीजिए। अंग्रेज मैगजोर लाट ताकने लगा बाबा साहब की ओर, रिप भा आपने तो सच में कहा था कि भारत में अभी भी गरीब लोग हैं। हेल के मड़ई में वह अंग्रेज मैगजोर लाट देखने लगा, जितना बर्तन बा कांच का बर्तन माटी का बर्तन, ठाटने लगा बापू को वह अंग्रेज मैगजोर लाट आप बड़े गद्दार हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, हिंदुस्तान का नमक खा करके हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शर्म नाम की चीज नहीं आपको। डटते हुए वह अंग्रेज मैगजोर लाट वहां से चल पड़ा। बाबा साहब को कहा आप आइए लंदन, आपका संविधान लागू किया जाएगा। बाबा साहब बड़ा खुश भइलन, वही तैयारी बनावो थुम तोले बापू और नेहरू जी हवाई जहाज द्वारा लंदन पहुंच गए। आखिरी भाव बतावल गया था बाबा सोचत हुए अरे चाहे कपया निकले, अरे चाहे कपया निकले वही लंदन की नगरिया साहब, हवाई जहाज के किराया नहीं बा, नेहरू और गांधी जी चलिया ये साधन पंडुपी जगत से मुलंदनी जई बया, जाके घटावा पर देखे ये कही जाजिया बाबू बाबा साहब जा करके घाट पर देखत हुन एगो खाली पंडुपी जहाज बा, पायलट किया गया हाथ जोड़लन, बाबू हमको लंदन जाना जरूरी है, आप हमको क्या समुंदर पार करा सकते हैं।
वह पायलट अपनी पनडुब्बी जहाज पर बाबा साहब को बैठा लिया। बाबा साहब जब पनडुब्बी जहाज पर सवार हो गए, पायलट अपनी जहाज के खोल देलस। धीरे धीरे पायलट लेकर के अपने जहाज के समुद्र के बीचों बीच चलल, और जब समुद्र के बीचों बीच वह पनडुब्बी जहाज पहुंचल बा, तब पायलट घूम के बाबा साहब के देखे लगल। का देखत बा? सोचेला चालक तनिका चेहरा निहारी की लेती, रूपवा निहारती फाटी तैले करे जवा तहिया, समुद्र के बीचों बीच पनडुब्बी जहाज को वह पायलट खड़ा कर दिया। घूम के बाबा साहब के देखलस, आंख के आंसू रुकल ना बाबू, आंख से आंसू चले लगल। बाबा साहब के रह ना गई लूट के, बाबा साहब गइलन पायलट के पजरा बैठ गइलन, पूछे लगलन, रे पायलट भाई मैं कब से देख रहा हूँ, तू मुझे बार बार मुड़ के देख रहा है, अच्छा बात बाकी तू हमको देख रहा है, लेकिन फिर रो क्यों रहा है, कोई मजबूरी है, कोई दिक्कत है, कोई परिवार का सदस्य बीमार है, या तू तू किसी बात को लेके परेशान है? पायलट हाथ जोड़े कहे, साहब नहीं ऐसा कोई बात ना साहब, चला तो के पार लगा दे। पुनः जहाज को आगे बढ़ाया, घाट पर जहाज के लगा देला, हाथ जोड़ला, साहब आप उतर जा। बाबा साहब उतरत नहीं हुआ, जाजिया में बैठल हुआ, पूछे लगलन, बिना पूछे मैं कैसे जा सकता हूँ, तू बड़ा दुखी लग रहा है, कोई परेशानी है तो हमसे कह सकता है, इतना परेशान क्यों है, रो क्यों रहा है? मजबूर हो गया पायलट, कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, आपको मारने के लिए मुझे पैसा दिया गया है। बाबा साहब घाट उतर गई लवन, फिर आके जहाजी में बैठलन, वह पायलट को कहने लगे, चल बीचों बीच लेके अपनी जहाज को चल, बटन दाब दे, बम की बटन को दबा दे, मुझे मार दे, तुझे पैसा मिला है ना, अगर मुझे नहीं मारेगा तो लोग तुझे मार डालेंगे। पायलट रोवे लगल बाबा साहब के पैरवा पकड़ के, ऐसन मत बोला साहब, ऐसन पाप घोर पाप हमसे ना हो पाई साहब, ऐसन अनर्गल हमसे ना हो पाई साहब। बाबा साहब पूछने लगे, आखिर ऐसा कौन किया? पायलट बताया, आपसे पहले बापू और नेहरू आए थे, उन्होंने ही कहा कि पूरी जहाज को हटा दिया जाए, केवल एक जहाज घाट पे होनी चाहिए, आएंगे बाबा साहब, जिस नौका पर सवार होंगे उसी नौका में बम लगाई जाएगी और उनको यही मार दिया जाएगा। पायलट की बात सुनकर के बाबा साहब सोचने लगे, वाह अगर तू नहीं मानता है तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? कहा, कोई बात नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए साहब, मुझे तो आप चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है। पुनः अपने नौका को, अपनी उस पनडुब्बी जहाज को मझधार में करता है, समुद्र के बीचों बीच करता है और पानी में छलांग मारता है, बम की बटन को दबा देता है। खबर दिया, आप जैसे कहे थे साहब हमने वैसा ही किया, आपका दुश्मन मारा गया। बापू और नेहरू बड़ा जश्न मनावत हुआ वही लंदन में, अंग्रेज मेजर लॉर्ड के सामने हाथ जोड़ के रोवत हुआ, नौटंकी करत हुआ, अरे साहब अपने के झूठ जब साबित हो गई ल त यहाँ ना आ पौलन, और ते और तनी कोशिशो कैलन, दुर्घटना में मारल गईलन। मेजर लॉर्ड सोचने लगा, अचानक बाबा साहब की मौत कैसे हो सकती है, असंभव है, ये सही बात नहीं है, ये लोग बतावत बाकी ये सही है के मानिला। शोक सभा में सभे बैठल बा, बाबा साहब की आत्मा के सब लोग शांति दियावत बा, तोले बाबा साहब वही पायलट के लेके पहुंच गईलन। जब पहुंचल हुन में एक जो लाट देखले बा, तो भइल का बा लाइट भाव बतावल गई, अरे रोवे चालक बाबा से
के हमके मोहरा बनवले हमारी जजिया में बम लगावले सभा में बैठ के सभे आत्मा के शांति बदे मौन धारण कईले बा। तब तक नजर मैगजूर लाड के पड़ल देखत बा। अरे आत्मा के शांति जाके नेता दिलवाए आ देखे मैगजूर लाड सब पायलट साथे आवे साहब को जिंदा देख करके हैरान हो गया। अरे सोचने वाली बात है, ये हुआ कैसे? बाबा साहब हाथ जलन कलन हम कुछ बता ना पाई भी है, पायलट सब कुछ बताई, डांट लगावा है अंग्रेज में एक जो लाड सारी बात को वह पायलट बताया। साहब यह दोनों जानी पैसा दे के लालच दिलौलन, लेकिन हम ऐसा ना कैली। वह मैं एक जो लाड गुस्सा में लाल बापू और नेहरू जी को डांटने लगा। पुनः लंदन से हिंदुस्तान आने को आदेश किया, आप लोग यहाँ रहने लायक नहीं है, आप लोग हिंदुस्तान जाइए, आप लोगों की बात मैं एक मिनट भी नहीं सुन सकता। धिक्कारा गया बापू और नेहरू जी मेघजोर लाड के डांट को सुन करके अपने हिंदुस्तान में आ गए। बाबा साहब की बात को मानते हुए मेघजोर लाड संविधान लिख करके दिया। आज हम सब आजाद की जीवन जीते हैं, आजाद की रोटी खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहरत बानी, बढ़िया भाषा, बढ़िया बोली, बढ़िया विचार, अगर सब कुछ मिलल बा कहल जला आपके जेब में पेन है तो बाबा साहब की देन है, अन्यथा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमको आपको हमारी आपकी आजादी दिला सके। तभी से 22% दलित और 27% ओबीसी वालों के लिए आरक्षण लागू किया गया। विधायक के आखिरी भाव में बतावल गई गुरु बिहारी गुरु गणेश लागू संविधान कराई पिछड़ा के और छड़ी और केहू न मिटाई अरे पियाई कैसे बानी बाबूजी अरे पियाई कैसे बानी बाबूजी।